आज पढ़ेंगे लेसन 6.1 त्रिकोणमिति अनुपात। सर त्रिकोणमिति अनुपात का मैंने एक सारणी आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बता दी है। उसके बाद में अगर आपको सारणी बढ़ा जाएगी तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। आज 6.1 का क्वेश्चन हम पहला करेंगे। पहला क्वेश्चन मेरे का 2 sin 45 और cos 45। देखो 2 के 2 साइन 45 का मान, साइन 45 मान लिया आपका 1/√2, लिख दो 1/√2। फिर देखा कोस 45, कोस 45 का मान लिया आपको दे रखा है 1/√2। अब क्या करेंगे, बीच में किसी का चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह हम लगा देंगे, गुणा का चिन्ह हम लगा देंगे। ऊपर वाले संख्या को ऊपर वाले से गुणा करेंगे, 2 × 2 √2 को √2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। कभी भी रूट वाले संख्या को रूट वाले संख्या से करेंगे गुणा तो रूट वाले से रूट वाले गुणा करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, आपका 2 बच जाएगा। एक बार 2 लिखना आपको तो 2 × 2 तो आपका 1 आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा कोस 45 कोस 60, कोस 45 का मान कितना है 1/√2, लिख दो 1/√2 और कोस 60, कोस 60 का मान है आपका 1/2, यहां किसी का चिन्ह नहीं बीच में तो लगा देंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह। माइनस साइन 45, साइन 45 का मान है 1/√2 और साइन 60 √3/2। ऐसा करेंगे इसको भी। अब देखो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा कर देंगे तो a हो जाएगा, √2 को 2 से करेंगे तो 2√2, क्योंकि रूट वाली अगर बगैर रूट वाले से क्या गुणा नहीं होती है। इसी प्रकार ऊपर 1 से रूट करेंगे तो √3 और नीचे जाएगा आपका 2√2, क्योंकि रूट वाले संख्या रूट वाले संख्या बगैर रूट वाले संख्या से गुणा नहीं होती है। अब चलो दोनों का ले सकते हैं तो देगा 2√2। अब ऊपर दोनों सेम है तो ऊपर भी संख्या सेम है, 2 का 2√2 कितना आएगा 1 को गुणा करेंगे इसे तो 1 आएगा 1 − √3। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60। अब क्या करना है, साइन स्क्वायर का मान रखना है। साइन स्क्वायर 30 का मान होता है आपका 1/2, फिर तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 कोस स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 45 आपका 1/√2, इसका भी दे रखा आपको स्क्वायर, इसका भी लगा दो आप स्क्वायर प्लस 3 × 3 टेन स्क्वायर 60, टेन स्क्वायर 60 मतलब √3 का स्क्वायर, तो इसका भी लगा दो √3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर आपका 1/4, 1 का 1 स्क्वायर होता है और √2 का 2 और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका 2/2 प्लस 3 का 3 √3 का स्क्वायर होता है आपका 3। आप क्या करोगे, सबको देखो ये पूरा कट रहा है, यहाँ बचेगा आपका 1 1/4 प्लस 1 + 3 × 3 9। अब नीचे कुछ नहीं है तो ले लो आपका सबका लेसे पे, तो लेसे बचेगा आपका 4 का 4 में 1 बार 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस का प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार 4 को 9 से करेंगे तो 36, 36 और 4 40 और 41 41/4 आपका 4। 3 sin 60 माइनस करेंगे 4 sin³ 60 या 60। अब देखो साइन 60 का मान आपको दे रखा है √3/2 और 3 क्या आप तो 3 किसी का चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई का चिन्ह, माइनस 4 के 4 sin³ का √3/2 क्यूब का मतलब उसको 3 बार लिखना है आपको, तो इधर जाएगा 3 × √3 तो 3√3/2 माइनस, इसको भी सोल्व कर लो √3 3 बार लिखना है आपको तो जाएगा √3/2 √3/2 √3/2। अब देखो √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 को √3 से करेंगे तो 3√3। अब आगे 4 है तो 4 लगा दो, नीचे 2 × 2 = 4 + 4 = 8 4 × 4 = 8 तो यहां बच गया आपका 3√3 − 3√3/2 इधर भी √2। अब इसमें पूरा घटा देंगे क्या बचेगा आपका 0 आपका आंसर। नंबर 5,
अब इसमें देखेंगे 5 को 60 प्लस 4, यहाँ क्वेश्चन में आपको देखो यहाँ दे रखा आपको साइन दे रखा है किताब के अंदर, लेकिन संजीव में आपको चेक करोगे कहीं भी देखो इसमें क्या आंसर में चेक होगा, तो चेक साइन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसको आपको चेंज कर लेना और यहाँ कोस स्क्वायर इसको भी आप यहाँ चेंज कर लेना, ठीक है। अब देखो 5 के 5 कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का मान आपको होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4, 6 स्क्वायर 30, 2/√3, तो ले देंगे 2/√3, इसका भी स्क्वायर है तो इधर भी आप स्क्वायर लगा दो, माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 का मान आपका होता है 1, 1 का स्क्वायर भी लगा दो 1, नीचे sin² 30, साइन का मतलब होता है 1/2 का स्क्वायर, तो लगा दो 1/2 का स्क्वायर, फिर आता है प्लस cos² 30 का मान, cos² 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। अब क्या करोगे सब पे रूट हटा दो, स्क्वायर हटा दो, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का 4, 5 एकम 5/4, फिर प्लस 4 हो गए, √2 का स्क्वायर 4 और 3 का 3, गुणा करेंगे 4 से तो हो जाएगा आपका 4 × 4 16/3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4। अब आपको क्या करना है, पहले आप ऊपर वाले को सोल्व कर लो और फिर आप नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं। ऊपर क्या देखा है 5/4 16/3 माइनस 1/1, देखो 4 और 3 एक का स्क्वायर ले से मिलेंगे तो जाएगा आपका 12। अब क्या करोगे ले से ले लो यहां पे, तो अगर ले से हो गया आपका ले से हो जाएगा आपका 12, ठीक है, 5 का 4 का भाग 12 में 3 बार और 3 को गुणा करेंगे 5 से, 3 × 5 = 15 प्लस 3 का भाग 12 में 4 बार, 3 × 12 4 × 16 16 16 32 64, तो जाएगा आपके 64 माइनस 12 का भाग 1 में 12 बार 12 एकम 12। इसी प्रकार आपको नीचे वाले को सोल्व करना है, देखो नीचे ले सब ले लेंगे हम 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, 3 और 1 4/4। ऊपर क्या है देखो 65 या ये प्लस का है और ये माइनस घटा दो तो कितने बच गए 3 64 और 3 67 67/12। इधर देखो 3 और 1 4 4/4, 4 से 4 कट गया तो क्या बच गया 1 67/12, नीचे 1 का कुछ मतलब ही नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, 4 कोट का स्क्वायर 45, 4 के 4 2 कोट स्क्वायर, कोट जो 45 मान होता है आपका 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो आप ऐड लिख दो 1 माइनस 6 स्क्वायर 60, 6 स्क्वायर 60 का मान होता है 2, 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 हो गया प्लस साइन स्क्वायर 60 का मतलब होता है √3/2 स्क्वायर लगाए तो इसमें भी स्क्वायर लगा दो, इधर भी आप स्क्वायर लगा दो, ठीक है। फिर आपका अगला कोस स्क्वायर 90 का मान होता है आपका 0, 4 का 1 का स्क्वायर 1 होता है 4 × 1 = 4 माइनस 4 × 2 = 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 0 का मतलब 0 होता है। आप लोग 4 में से 4 घटा दो, डायरेक्ट घटा दो या लेस लेके वैसे कर दो, 4 में से 4 गए कुछ नहीं बचा, क्या बच गया आपका आंसर हो जाएगा आपका 3/4। आप लेस लेके भी कर सकते हो या आपको डायरेक्ट ही कर सकते हो 3/4। क्वेश्चन नंबर 7, 7 में क्या होगा देखो 4 कोट स्क्वायर 30, पहले 4 का 4 लिखो, कोट स्क्वायर 30 का मान देगा आपको √3 का स्क्वायर लिख दिया तो √3 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 का 1 sin² 30, sin² 30 का मान देगा आपको 1/2 का स्क्वायर माइनस cos² 45 का मान देगा आपको 1/√2, तो लिख देंगे हम 1/√2 और इसका ऊपर लगा देंगे हम स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो तो देखिए 4/√3 का स्क्वायर क्या होता है
तीन प्लस एक का एक, एक बटा दो का स्क्वायर हो जाएगा एक बटा चार, और माइनस का माइनस एक बटा दो, क्योंकि रूट दो का मान जाएगा आपका दो। अब देखो ये चार आप क्या करोगे, इसको सोल्व करो पहले, ये चार गुणा में भाग में ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो चार बटा तीन प्लस ये चार ऊपर आ गया तो हो जाएगा चार बटा, नीचे कुछ नहीं है तो एक ले लो, नीचे बच गया आपका एक, माइनस आपका एक बटा दो। अब आप नीचे वाले संख्या ले लो लेस पे, तीन एक और दो, इनका लेस आ जाएगा आपका छ, तीन का भाग छ में दो बार, दो को चार से करेंगे तो चार दूनी आठ, एक का भाग छ में छ बार, छ को चार से करेंगे छ चौक चौबीस, माइनस दो का भाग छ में तीन बार, तीन को एक से करेंगे तो तीन। अब क्या करो, इन सबको जोड़ लो और घटा लो, चौबीस और आठ इन दोनों को जोड़ लो तो हो गया आपके, या डाटा तीन घटा दो पहले तो गए इक्कीस, इक्कीस और सात आठ हो गया आपके उनतीस बटा छ, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा उनतीस बटा छ। अगला क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन आठ में देखो सबको मैंने मान रख दिया, बस साइनस को यहाँ पे आप मान रख दो, मान रखने के बाद क्या करेंगे, इन सभी का जो स्क्वायर दे रखा है इन सब का भी स्क्वायर हटाएंगे, रूट तीन में क्या होता है तीन प्लस चार का चार दो, एक का रूट एक होता है और दो का रूट रूट दो का दो प्लस का एक, आप चाहे तो काट सकते दो एकम दो, दो दूनी चार, दो एकम दो, फिर नीचे वाला करते हैं तीन दो का रूट चार, रूट तीन का तीन, तीन से तीन कैंसिल, फिर प्लस दो का रूट चार रूट तीन का तीन, माइनस रूट तीन का तीन, इस प्रकार आप क्या करेंगे इन सबको प्लस माइनस कर लेंगे, तीन और ये दो पांच, पांच और एक छह, ऊपर आ गया आपका छह, नीचे देखो चार प्लस चार बटा तीन, चार प्लस चार बटा तीन माइनस तीन, अब सबको क्या कर लो प्लस माइनस कर लो, तो नीचे वाले क्या हो जाए ऊपर आ जाएगा आपका छह, नीचे वाला ले सब लेते हैं हम तीन, यहां कुछ नहीं है यहां भी एक ले लेते हैं, एक का भाग तीन में तीन बार, तीन को चार से गुणा किया बारह, प्लस तीन का भाग तीन में एक बार, एक को चार से गुणा करेंगे तो चार, माइनस एक का भाग तीन में तीन बार, तीन को तीन से करेंगे तो नौ, बारह और चार सोलह, सोलह में से नौ घटा दो, सोलह में से नौ गए सात, तो ऊपर बच गए छह और नीचे सात बटा तीन, अब सात बटा तीन ये तीन भाग में है तो ऊपर चला जाएगा किसमें आ जाएगा गुणा करेंगे, ऊपर छह इंटू तीन बटा सात, छेतिया अठारह बटा सात, आपका आंसर हो जाएगा अठारह बटा सात। क्वेश्चन नंबर नौ, साइन तीस माइनस साइन नब्बे प्लस दो कोस थीटा जीरो, टेन थीटा तीस बटा टेन थीटा तीस और टेन थीटा साठ दे रखा है, आपको कहना है साइन तीस का मान क्या होता है आपका बिल्कुल एक बटा दो, साइन तीस का मान हो गया आपका एक बटा दो माइनस एक बटा दो माइनस, फिर आपका साइन नब्बे का मान, साइन नब्बे का मान तो आपका एक प्लस दो कोस, कोस का जीरो मान क्या होता है कोस जीरो का मान होता है आपका एक, तो यहां लिख देंगे एक बटा, नीचे टेन थीटा तीस, टेन तीस का मान होता है एक बटा रूट तीन, और रूट टेन साठ का मान होता है आपका रूट तीन। अब सबसे क्या करो देखो ऊपर वाला सोल्व कर लो, एक प्लस दो इंटू एक दो, तो आप गाड़ी यहां लिख दो, दो एक और दो दो आधा डायरेक्ट डाइव में से एक कम कर दो, या फिर आप डायरेक्ट लेस लेके कर दो तो क्या होगा एक कम करो एक, एक और एक कर दो लेस ले लो ऊपर वाले का, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो आप वन ले लो, लेस से लिया आपने क्या दो, दो का भाग दो में एक बार, एक और एक से गुणा करोगे तुम दो एकम एक बार, माइनस एक का भाग दो में दो बार, दो को से गुणा करो तुम दो, प्लस एक का भाग दो में दो बार, दो को दो से क्या करो तुम चार, देखो एक माइनस दो प्लस चार, एक और चार पांच, पांच में दो गए तीन, तो बचेंगे तीन बटा दो। अब इसके नीचे में क्या है, इसके बट्टा के नीचे क्या है रूट, और इसे नीचे कुछ नहीं है और नीचे नीचे किसी का चिन्ह नहीं है, तो क्या होता है मल्टीप्लाई चिन्ह, एक और रूट तीन से गुणा करेंगे तो रूट तीन, रूट तीन को करेंगे तो रूट तीन, अगर काटेंगे क्या हो जाएगा पूरा कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका
तीन बटा दो आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, दो तीन तीस, दो के दो लिखो और टेन का मान 30, टेन का मान 30 क्या आपका एक बटा रूट तीन, लिखो एक बटा रूट तीन, नीचे वन माइनस एक बटा रूट तीन का स्क्वायर, क्योंकि एक बटा रूट तीन का स्क्वायर दे रखा है और आपको सिंपल दे रखा है। ऊपर वाले को सोल्व कर लो, दो को एक से गुणा करेंगे दो और रूट तीन का रूट तीन, इसी प्रकार आपको नीचे वाले कर लो, एक बटा एक का एक हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक होता है, रूट तीन का स्क्वायर तीन, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन ले लो, दो बटा रूट तीन नीचे रहेगा एक। अब देखो नीचे वाले से क्या ले लो आप लेस से, फिर एक और तीन का लेस हो जाएगा आपका तीन, एक का बाद तीन में तीन बार, तीन को एक से गुणा करोगे तो तीन, माइनस का माइनस, तीन का बाद तीन में एक बार, एक को एक से गुणा करोगे तो एक, तीन में से गया दो बटा तीन, ऊपर आ गया आपका दो रूट तीन, नीचे आएगा दो बटा तीन। अब देखो बटे की संख्या ऊपर जाएगी तो उल्टी हो जाती है, तो ये दो बटा तीन उल्टा हो जाएगा, ऊपर गुणा आ जाएगा, तो जाएगा दो बटा रूट तीन, और ये तीन आ जाएगा आपको ऊपर और दो आ जाएगा नीचे, दो से दो कैंसिल, क्या बचा ऊपर तीन और नीचे बच गया आपका रूट तीन, आपका ये आंसर भी सही है। अगर आगे कहना चाहते हो क्या करोगे, रूट तीन को दोनों साइड से गुणा करना पड़ेगा, तो देखो तीन बटा रूट तीन को रूट तीन इधर भी करना पड़ेगा और रूट तीन ऐसे गुणा करना पड़ेगा, ऊपर वाले करेंगे तो तीन रूट तीन, नीचे जाएगा रूट तीन से तीन कैंसिल और रूट तीन आपका आंसर हो जाएगा।